किशन, हाँ हेलो। सर, यस सर, आई एम यस सर। टॉकिंग अबाउट द हॉल टिकट, हैव यू डाउनलोडेड इट? नो सर, आई हैव नॉट डाउनलोडेड इट, नो, बट आई विल डाउनलोड टुडे। हाँ हाँ टाइम है अभी हालांकि, बट निकल गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, इसलिए मैंने प्रिंट आउट करवा कहा लीजिए। यस या यस सर। ठीक है, सो लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस टॉपिक व्हिच इज व्हाट आर द सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, ठीक है? सो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बेसिक है और क्वेश्चन का नेचर भी बेसिक है। सो इसको करते हैं फिर। सो द सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑफन रेफर टू एज फंडामेंटल इकोनॉमिक, एक मिनट, या सो फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड द एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। देखो स्केयर्स या स्कार्स इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसका मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे स्रोत, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी कमी है हमारे पास, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कार्स। तो जिस चीज की कमी होगा ना किशन, देखना हम लोग कोशिश करते हैं कि उस चीज को बचा करके रखा जाए, और जब जरूरत पड़े उस चीज का तब उसका इस्तेमाल करें हम लोग, है ना? तो ये बिजनेसेस में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप बचा के रखना चाहते हैं ताकि उसका प्रॉपर एलोकेशन हो सके और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके एज पर द नीड, ठीक है ना? सो सबसे ज्यादा जो बेसिक प्रॉब्लम होता है किसी भी इकोनॉमी का, यहाँ पे लिखा हुआ अभी है, द सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑफन रेफर टू एज द फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन। फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक्स हम पढ़ते ही है इसलिए ताकि हम लोग को पता चल पाए कि किस चीज का इस्तेमाल कब और कैसे करना है ना? सो बेसिक क्वेश्चन क्या है कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करोगे ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा, ठीक है? जैसे कि कहता है ना कि घर में सपोज 1 किलो आटा है पर आपको सिर्फ 2 ही रोटी खानी है, तो पूरा का पूरा 1 किलो आटा तो बना के कोई फायदा है नहीं, है ना? आपको खानी तो सिर्फ 2 ही रोटी है, दो रोटी के बाद आपको मजा ही नहीं आएगा, तो बाकी का जो आटा है वो तो बर्बाद हो जाएगा, राइट? तो जो आपका यूटिलाइजेशन है वो क्या पूरी तरह से हो पाया? नहीं हो पाया, है ना? लेकिन वही अगर आप हर दिन दो दो रोटी करके खाएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से हो पाएगा, हर दिन आपका पेट भरा हुआ रहेगा, राइट? और उसका भी ठीक तरीके से इस्तेमाल होगा, कोई चीज बर्बाद नहीं होगी, है ना? सो जो भी रिसोर्सेस स्केयर्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, उनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए और उसको किस तरीके से फुल्ली यू नो यूटिलाइज किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए, यही हमारा इकोनॉमिक्स होता है और यही सबसे बेसिक प्रॉब्लम होता है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है? दीज प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू फुलफिल देम, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम क्यों निकल के आता है? ये प्रॉब्लम इसलिए निकल के आता है क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं, जो हम चाहते हैं, वो अनलिमिटेड चाहते हैं, हमारा कोई लिमिट है ही नहीं, हर चीज में हम लोग अनलिमिटेड चीजें चाहते हैं। तो जो हम अनलिमिटेड चीजें चाह रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी सोसाइटी में उतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको मिलेगा कहाँ से? कई जगहों पे देखना पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी इसलिए होती है क्योंकि वहां पानी का सप्लाई, पानी का जो उत्पादन है वो ठीक तरीके से है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब यही है, ठीक है ना? सो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है। द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स आर, अब यहाँ पे तीन क्वेश्चंस निकल करके आते हैं जिनका अगर सॉल्व पहले ही कर लिया जाए तो आपको जो है प्रॉब्लम में ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है हमें, क्या हम कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करेंगे जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, जरूरत रहेगी तो ही तो करते हैं, है ना? सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब जब हमने सोच लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, फिर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए, है ना? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने के, तो जो सबसे अच्छा एफिशिएंट वे होगा, जहां पे आप अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, आप अपने रिसोर्सेज को बचा पाएंगे, आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। सो हाउ टू प्रोड्यूस अगला क्वेश्चन है, और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने लिए, पड़ोसी के लिए, पूरे कंट्री के लिए, या उसको एक्सपोर्ट करना है तो बाहर की कंट्री के लिए, तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये क्वेश्चन का भी सॉल्व आपको पहले से पता होना चाहिए बिजनेसेस में, राइट? सो ये तीन मेजर क्वेश्चन है, इसको एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी।
अब ये एक्चुअली ये बताता है, पर्टेन करता है कि आपको कौन कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री की इकोनॉमी में, मैं बोलना चाहूंगा, तो आपको वो सेलेक्ट करना होता है कि मुझे ये चीज की जरूरत है। जैसे देखो, चाल, चावल, आटा, ये सभी ने खाना है, चावल और रोटियां सभी ने खानी है। तो उसके लिए बेसिक हमारा जो नीड क्या है, हमारे कंट्री चाहती है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बेहतर हो, उसके लिए बहुत सारे वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग सिलेक्शन कर लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में, गुड्स में हम लोगों को भाई चावल और आटा ये तो पहले चाहिए, ठीक है ना। सो ये सिलेक्शन जो होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, और ये किस बेसिस पे होता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन के बेसिस पे। हमारा 130 करोड़ का पॉपुलेशन है और हमारा जो चावल या फिर रोटियां बनाने, आटा मतलब जो व्हीट होता है, उसको जो प्रोड्यूस करने का जो जो लिमिट है वो काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोग समटाइम्स उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, राइट। सो लेकिन अगर हम लोग कम करने लगेंगे तो क्या हम सारे लोगों को खाना खिला पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन सामान भी तो होना चाहिए ना। तो ये सामान पैदा करने का चीज का जो काम है वो किसका है? गवर्नमेंट का है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो किसान करता है, पर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उस चीज को फाइनेंस करती है, ठीक है ना। सो उस तरीके से जो है चीजें होती हैं। सो डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, सो डिटरमाइनिंग व्हाट टू प्रोड्यूस रिक्वायर्स कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर डिमांड, है ना। जिस चीज का डिमांड नहीं होगा उसको क्यों प्रोड्यूस करेंगे? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है? पहला है कंज्यूमर डिमांड, कि उस चीज का डिमांड होना चाहिए मार्केट में। अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप उसको पैदा कर सको, पर अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? भूखे तो नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे? बाहर से मंगवा लेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि डिमांड है, लेकिन हमारे पास उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सपोज टेक्नोलॉजी नहीं है, लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो वो अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, है ना। सो अवेलेबल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड सोशल प्रायोरिटीज, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करना है इस वाले क्वेश्चन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जस्ट अ सेकंड, में थोड़ा पानी पी लेता हूं। यस ओके देन, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये हम लोगों को प्रोड्यूस करना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किसी एक काम को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो ट्राई करना होगा ना। तो जो काम कम समय में हो जाएगा, मैं उसी चीज को करने की कोशिश करूंगा। समय कम लगे, पैसे बचे, आपका रिसोर्सेस बचे, उसी को आप प्रोड्यूस करेंगे, है ना। प्रोड्यूस करने का जो तरीका होगा वही आपका होगा, सिंपल वाला तरीका, जहां पे आपके पैसे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है, और मैक्सिमम बेनिफिट आपको और बाकी लोगों को मिल पा रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन पर्टेन्स टू द मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से ये बताता है कि किस कौन से मेथड्स या फिर कौन से टेक्निक्स का आपको यूज करना है उन प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। इट इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे देखो, डिसीजन आपको लेने होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो लैंड, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बोला है, बट लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रप्रनोरशिप और ऑर्गेनाइजेशन, LLCOE, ये मेन जो है आपके रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, जो क्लाइमेटी है वो भी आ जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह आ जाएंगे, पर जो मेन जो रिसोर्सेज होता है वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीन चीजें तो पक्का है कि होगा। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में भी लैंड ही आ जाएगा एक्चुअली। सो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको डिसीजन लेना रहता है कि क्या ये चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। सपोज आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट है, और हमारे पास सपोज वैसे इंजीनियर्स या फिर वैसे साइंटिस्ट नहीं है जो कि उस चीज को बना सके, तो आप तो नहीं बना पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से लोगों को मंगवाना पड़ेगा। अब बाहर से जब लोग आएंगे तो भाई उसका खर्चा है, उसका टिकट का खर्चा है, उसका रहने का खर्चा है, उसका वीजा का खर्चा है, सारा खर्चा तो आपको उठाना पड़ेगा। तो आप क्या सोचोगे कि भाई जितना मैं खर्च इस बंदे के ऊपर करूंगा प्रोडक्ट को बनवाने के लिए, उससे अच्छा मैं बाहर से ना मंगवा लूं, बराबर समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे ये सारा चीज का खेल होता है कि आपका फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ना। हाउ टू प्रोड्यूस में ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग को देख, एक बहुत ही बेसिक सा चीज है, पता है,
यूएस में, अभी आप यूएस कह रहा हूँ, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि दुबई से लेकर के इंडिया के बीच में अंडर वाटर एक पाइपलाइन जो है बिछेगा, ठीक है? यस सर, यस सर जी, तो ट्वेंटी वहां पे पे दो इसको है। पाइपलाइंस होंगी, एक्चुअली चार पाइपलाइंस होंगी, एक ट्रेन के आने का, एक ट्रेन के जाने का, और दूसरा एक तरफ से पानी इंडिया भेजेगा दुबई को और दुबई ऑयल भेजेगा इंडिया को, समझ रहे हो आप? मतलब ये मैं ये बताने की यस कोशिश कर रहा हूँ कि दुबई में किस चीज की जरूरत है, पानी की, और हमें किस चीज की जरूरत है, ऑयल की। तो हम अगर जबरदस्ती हमारे इंडिया में खुदाई करते रहेंगे और तेल निकालने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास तेल का भंडार उतना है ही नहीं, पर दुबई के पास बहुत ज्यादा है, तो हम लोग दुबई से मंगवा सकते हैं, ईरान से मंगवा सकते हैं। तो जिसके पास जो आपको जितना खर्च लगेगा खुद के यहाँ पे उस चीज को करने में, उससे कम खर्च में आप बाहर से मंगवा लेंगे, तो डेफिनेटली आप बाहर से ही मंगवाएंगे ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस में ऑफ यही कोर्स है सर। कि आपको जो जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आपको चूज करने को रहता है, ठीक है? तो यहाँ यस पे देखो फैक्टर, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर बताए गए, एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी कैसी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मैंने अभी जस्ट इसके बारे में बता रहा था, है ना? एफिशिएंसी का मतलब क्या, कि जो बंदा उस काम को करेगा वो कितना एफिशिएंटली कर पा रहा है, क्या वो काम को आधे घंटे में कर ले रहा है, 1 घंटे में कर ले रहा है, या फिर 10 दिन में कर ले रहा है। तो डेफिनेटली जो आधे घंटे में कर रहा है उसको आप रखोगे ना, तो हाउ टू प्रोड्यूस में जो बंदा किसी काम को जल्दी कर ले रहा है या कोई काम जल्दी हो जा रहा है उसको आपको चूज करना है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना है, क्योंकि खर्च ज्यादा करोगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आपको खर्च बचा करके चलना पड़ेगा, है ना? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑन हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन को, है ना? ये तीन क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इसको डिटेल में करना होता है। तीसरा है फॉर होम टू यस प्रोड्यूस। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कैसे करना है पैदा, प्रोड्यूस कैसे करना है प्रोडक्ट को, तो अब आप डिसाइड करोगे कि कितने लोगों के लिए आपको प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर लोगों का डिमांड मार्केट सर, में 10 लोगों का है, 10 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना यस चाह रहे हैं, तो 15 बना के क्या आप अपना लॉस करोगे? नहीं करोगे, आप पता करने की कोशिश करोगे कि आपका डिमांड कैसा है ना? सो फॉर होम टू प्रोड्यूस एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। नाउ दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। अब इस क्वेश्चन में ये डील करने की कोशिश की जा रही है कि इस गुड्स एंड सर्विसेज को जो है लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग हु गेट्स एक्सेस टू द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू वॉट एक्सटेंट, है ना? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल करके आता है कि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किस एक्सटेंट तक लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ऑब्वियसली जितना उनको चाहिए होता है उनको उतना ही प्रोवाइड किया जाता है, बट आप यहाँ पे लिमिटेशन लगा सकते हो। सपोज कोई एक प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में आदमी को हर महीने उस चीज को लेने की जरूरत पड़ती है ना, उसको लेना ही है हर महीने, ठीक है? तो आपका कंट्रोल उस चीज पे है कि आपने सपोज मार्केट में 12 महीने की जगह पे 10 महीने ही का ही सामान मार्केट में भेजा, तो वो लोग तो 10 महीने का ही सामान फिर 12 महीने तक खींच लेंगे। अब इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, है ना? वो 2 एक्स्ट्रा महीने का सामान बनवाने के लिए आपको बाहर से मंगवाना पड़े सामान, है ना? तो आपका तो खर्च ज्यादा पड़ जाएगा, तो आप अपना खर्च को कंट्रोल करने के चक्कर में आप उस चीज को कर रहे हो, है ना? सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है निकल करके आ सकती है कि किस कॉन्टेक्ट, मतलब कितना, किस हद तक जो है आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, करवाना है, कैसे करवाना है, ये जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाएगा, ठीक है? इकोनॉमिक सिस्टम वैरी इन देयर अप्रोचेस टू डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय परचेसिंग पावर टू सर्टेनली प्लान्ड सिस्टम वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें बताई गई हैं, एक तो ऐसे सिस्टम की बात की जा रही है जो कि मार्केट बेस्ड है। मार्केट बेस्ड में सिंपल सा रूल चलता है डिमांड एंड सप्लाई, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, जितना सप्लाई होगा उतना डिमांड होगा, ठीक है? ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा आप बोल सकते हो। दूसरा है ऐसा सिस्टम जो कि गवर्नमेंट ने बना करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट का भी अपना एक सिस्टम है ना, सब्सिडीज वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, तो उसके लिए वो लोग एक एक अलग से बना करके रखते हैं, उनका एक अलग से जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? सो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि जब आपने प्रोडक्ट को बना दिया तो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये भी तो क्वेश्चन है, राइट? तो ये हमें यहाँ पे वो सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ इसको कंक्लूड करते हैं, दिस दीज फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर द कोर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे कोर क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स के,
एंड ये काफी हद तक आपके बिजनेसेस को, आपके या जो चीजें हैं उसको वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? देखो, रिसोर्स एलोकेशन, जो आपके पास रिसोर्सेस है उसको कैसे एलोकेट करना है, प्रोडक्शन मेथड, चीजों को कैसे प्रोड्यूस करना है ना, प्रोडक्शन मेथड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, प्राइसिंग मैकेनिज्म, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे, ऑब्वियसली जितना खर्च होगा उससे ज्यादा ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा ताकि आपका प्रॉफिट हो पाए, है ना, प्रॉफिट ना भी हो तो कम से कम मोस्ट लॉस ना हो, तो प्राइस मैकेनिज्म आपको यहाँ पे यूज करना जरूर पड़ेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एंड ओवरऑल सोशल वेलफेयर। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको यू नो ध्यान में रख करके ये सारी डिसीजंस वगैरह लेनी होती है। डिफरेंट इकोनॉमिक यस सिस्टम्स सच एज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज, हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है, ठीक है ना, तो वो दोनों है, लेकिन किसी किसी कंट्री में सिर्फ कैपिटलिज्म और किसी किसी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म है। जैसे यूएस में कैपिटलिज्म है, कनाडा में कैपिटलिज्म है, साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म है, यहाँ पे जितने भी मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सबके सब कैपिटलिज्म में जी रहे हैं, है? और दूसरा है सोशलिज्म जो कि कैपिटलिज्म सिर्फ और मतलब सिर्फ, जी कैपिटलिज्म मतलब तो क्या होता है, मतलब कैपिटलिज्म का पैसे पे मतलब निर्भर। एक तरीके से अगर बेसिक समझाऊं तो जो भी किसी कंट्री का रिसोर्सेज रहेगा उस पे अधिकार जो है लोगों का नहीं होगा बल्कि किसी एक आदमी का या कंपनी का हो सकता है। मतलब मान लो मुझे अगर पेट्रोल पैदा करना है, पेट्रोल अगर प्रोड्यूस करना है, तो हमारे इंडिया में पेट्रोल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। नहीं जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा किसी और के पास अधिकार है पेट्रोल प्रोड्यूस करने का? नहीं है। नो नो डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत सारी कंपनीज करती है, लेकिन जो मेन कंपनीज है इंडियन ऑयल और बीपीसीएल, ये दोनों कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट की है, थोड़ा बहुत रिलायंस कर लेती है, थोड़ा बहुत एक और दो कंपनीज है जो कि करती है, बट जो मेन कंपनीज है वो इंडियन ऑयल है और बीपीसीएल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम और पैदा करने का काम अपने पास रखा हुआ है, तो ये जो सिस्टम है ये कैपिटलिज्म नहीं कहलाएगा, ये सोशलिज्म कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है रिसोर्सेस के ऊपर, लेकिन जब रिसोर्सेस के ऊपर लोगों का कंट्रोल होता है, बिजनेसमैन का कंट्रोल होता है, तो वो कैपिटलिज्म कहलाता है, क्योंकि कैपिटलिज्म का मेन कैपिटलिज्म थीम होता है प्रॉफिट कमाना, और सोशलिज्म का मेन थीम होता है लोगों तक, लोगों को सब्सिडी में, नॉट सब्सिडी, लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करना और सभी लोगों के लिए समान तरह का चीजें जो है प्रोवाइड करवाना। ठीक है, लेकिन किसी आदमी को अगर ग्रो करना है, सर जी बोलिए, इलोन मस्क सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है ना, तो वो खुद का खर्चा लगा करता है ना, तो वो कैपिटलिज्म में आएगा ना, सैटेलाइट बिल्कुल बिल्कुल, इलॉन मस्क वगैरह हो गया या कोई अमेरिका हमें में, बड़ा अमेरिका सा। में कैपिटलिज्म है इसीलिए इलॉन मस्क कर पाया, नहीं तो गवर्नमेंट वहां का अलाव भी नहीं करता। इंडिया में जैसे इसरो काम करता है, इसरो के अलावा इंडिया में और कोई काम जो है स्पेस रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और कंपनी इस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि किसी के पास अथॉरिटी ही नहीं है, बिल्कुल लेकिन यूएस में है, यूएस में प्राइवेट कंपनीज को फुल यस छूट है कि वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी करें, इसलिए देखना वहां पे आए दिन तुमको सुनने सुनने को मिलेगा आपको कि गोलियां चल रही हैं, लोग गोली मार दे रहे हैं किसी को भी, है ना, गन फायर का सीन जो है वो हो जाता है, 10-15 लोग मारे जाते हैं, तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि वहां पे गन बनाने का काम भी गवर्नमेंट का नहीं है, गन कोई भी वहां पे बना सकता है, ओके जो ग्रोसरी स्टोर होता है ना ग्रोसरी स्टोर में तुमको गन मिल जाएगा, ऐसा कंडीशन है वहां पे। ठीक अरे है किशन, तो वो कैपिटलिज्म के कारण ही वो सारी चीजें हो रही है, जब आप अलाउ कर दे रहे हो सारी कंपनीज को, सारे वाह यू नो बिजनेसमैन को कि वो लोग हर एक तरह का काम कर सकते हैं, तो वो लोग उस काम में चले आ रहे हैं करने के लिए, क्योंकि कोई रोक टोक है ही नहीं, सिंगल विंडो है, सबको वहां छूट मिला हुआ, यस लाइसेंस ले लो और आप अपना काम करो, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में यस बहुत सारे काम अभी हैं जो कि गवर्नमेंट अपने हाथ में रखी है, उसको छोड़ती नहीं है, अगर छोड़ेगी तो उसका नुकसान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जब भी कैपिटलिज्म होगा तो लोग अपने यस प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे ना कि गरीबों के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना, तो उस केस में गरीबों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, राइट? तो वो होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। सोशलिज्म में लोग सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उसमें रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, बट कैपिटलिज्म में लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सो दैट्स द इसी के चक्कर में डिफरेंस। सारा देश गुलाम हुआ था ना, मतलब है ना, जी जी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आया था इंडिया में, और वो धीरे धीरे कैप्चर करता गया पूरे इंडिया को, ठीक है, तो वो अपने हाँ, अंदर और कर लिया इंडिया थोड़ी में जो बहुत। लोग थोड़े से संपन्न थे, जो राजा वगैरह थे,
वो लोग एक तरीके से कैपिटलिज्म को कहोगे तो सपोर्ट करते थे, क्योंकि इसी कारण से सारा प्रॉब्लम हुआ। लोग जब अपना अपना प्रॉफिट देखने लगेंगे ना, तो जो जो नॉर्मल आदमी होगा वो ज्यादा पिसेगा, उसको उतना फायदा देखने को नहीं यस मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैपिटलिज्म के कारण ही अमीरियत होती है, बगैर कैपिटलिज्म के कोई भी कंट्री जो है बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, और हमारा इंडिया यस यस कैपिटलिज्म यस की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। मूव कर हाँ, धीरे धीरे मूव कर रहा रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेक्टर्स को छोड़ करके, लेकिन देखो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कहीं पे पढ़ाई करने जाना है तो क्लास 1 से 8 का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा है ना। आपको यस हॉस्पिटल जाना है, सरकारी हॉस्पिटल आप चले जाओ, 1 रुपया भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, थोड़ा बहुत लिया जाता है बट वो बहुत ही यस कम है। तो ये जो यस एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ सोशलिज्म को लेकर के, कि इंडिया में सोशलिज्म भी चलिए है ना। पहले के टाइम पे गैस गैस का जो प्राइसेस वगैरह, हालांकि अभी फिर से 200 रुपए कमा है, बट अभी तो काफी ज्यादा हो गया था, बट पहले की गवर्नमेंट्स में या पहले के टाइम पे जो गैस का कीमत था वो 400, 500, 600, 600 हार्डली। पेट्रोल का कीमत देख लो, देखना गवर्नमेंट सब्सिडी देती है गैस गैस के ऊपर, अभी भी 30 रुपए आ जाता है मेरे अकाउंट में, मेरे पास भी सब्सिडी वाला है, हालांकि अभी तो ना दाम काफी ज्यादा हो गया है। पहले के टाइम पे भी जो अच्छा गैस का कीमत था ना वो 1,000 रुपए के आसपास था, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे करके आपको जो है कम दाम में यस सर बेचती थी, ठीक है। सो यस उस यस तरह का सर देखिए सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि गरीबों का हेल्प हो पाए, ऐसे लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको उस चीज का लाभ जो है मिल पाए और वो लोग अफोर्ड कर पाए। राशन के दुकानों में देखना, अभी के टाइम पे भी लोग वहां से चावल वगैरह लेते हैं, लोग वहां से चीनी वगैरह लेते हैं, कम दाम पे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो ये सोशलिज्म का एक बिल्कुल नमूना है, सोशलिज्म भी है यहाँ पे। तो हमारा नहीं कैपिटलिज्म है ना ही सोशलिज्म है, हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स मिक्स जहां मिक्स पे कैपिटलिज्म भी है और जहां पे सोशलिज्म भी है, दोनों साथ में बिल्कुल मिलकर के एग्जिस्ट करता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी वाली यस कंट्री इंडिया में, इंडिया को छोड़ के मतलब इंडिया से बेहतरीन कंट्री पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, जहां पे दोनों चीज एक साथ चल रहा है, हाँ ठीक है। सबको लेके सो चलना पड़ता है, नहीं तो हाँ, प्रॉब्लम। सो मिक्स्ड इकोनॉमी प्रोवाइडेड प्रोवाइड डिफरेंट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसी उसी चीज को बोला गया है, फैक्ट। सो दिस इज द टॉपिक व्हिच वी आर डिस्कसिंग। ये कम से कम 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है किशन, ठीक है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं अच्छा उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आ भी जाए। अगर ये नहीं भी आया ना तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी अच्छा के बारे बहुत में। बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये अच्छा MCQ 21 का टॉपिक है, आकांक्षा ने तो अभी तक रिप्लाई नहीं किया मुझे, खैर कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, आप शेयर अगला कर दीजिए क्लास है ये पीडीएफ, किशन जी, कहिए। ये पीडीएफ आप शेयर करने का ये है या क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा जो वेबसाइट है ना, जो मैंने वेबसाइट स्टार्टिंग में बताया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक सर। ठीक है। जो PDF मैंने शेयर किया है वो सफिशियंट है, ठीक है, सो उसको लेकर के डोंट वरी। ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा, यस ठीक है, ओके ओके ओके। एंड वन मोर थिंग, फीस जो है वो ड्यू है नवंबर महीने वाला, दिसंबर में तो फीस नहीं लगेगा जैसा कि मैंने बताया था, और दिसंबर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा। आकांक्षा ने ऑलरेडी पे कर दिया है, सिर्फ आप ही वाला ड्यू है, ठीक है। सो ट्राई टू पे इट एज सुन एज ठीक पॉसिबल, एंड आज मतलब जो क्लास है कल वाला वो हम लोग शाम में करेंगे, सुबह में नहीं करेंगे बिकॉज सुबह में थोड़ा बिजी हूँ, तो शाम में करेंगे, ठीक है। सर, कल शाम को करते हैं क्लास। हाँ, पे कर देते हाँ कल। हाँ ठीक शाम में करते हैं, शाम में 8, 8:30, 9 वैसे करके ही, जी, या थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप हाँ पे हाँ इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है ज्वाइन कर लेना। हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा पहले को बता दो सर। हाँ, ठीक है। फिर भी मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली हम आप मतलब रखिए दिमाग में कि 8 बजे के आसपास जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, 8, 8, 10, 15 ऐसे करके, ठीक है, ओके सर, चलेगा ओके, सर। ठीक है, धन किशन, ओके, या ठीक है सर, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।